हेलो दोस्तों, आज हम बैक डिजाइन की कटिंग करेंगे। तो हमने इसका शोल्डर लिया है 6.5। 6.5 पर ही हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसका एक बॉक्स तैयार कर लेंगे 6.5 का इस तरह से, क्योंकि हम बैक की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। इस तरह से गोल करने के बाद अब हम चेस्ट पर आएंगे। तो मैं इसे 36 इंच का बना रही, तो 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए लगाया, तो टोटल ये 10.5 हो गया। अब यहाँ से कमर हमारी 32 है, तो 8 इंच लेंगे। जितना हमने ऊपर रखा है उतना हम नीचे रख लेंगे मार्जिन के लिए। आप चाहते इस मार्जिन के लिए बढ़ा भी सकते हो। तो इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे और इसे यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। तो पहले हम कटिंग करेंगे, बाद में हम इसमें डिजाइन का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसकी कटिंग इसी तरह से होगी। अब यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे यहाँ से, तो मैंने इसमें 2.5 इंच पर शोल्डर रखा है और 2.5 इंच हम दूसरी तरफ से भी लेंगे। तो दोनों तरफ से हमने 2.5-2.5 इंच रख लिया। अब हम इसको इस तरह से खोल देंगे। इस तरह से खोलने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसमें डिजाइन देंगे। पहले हम इसमें गले का वो करेंगे ना, तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ रखी है। लेंथ यहाँ से हमने इसकी 3 इंच रखी है, 3.5, और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अब हम इसे बोटनेक बनाएंगे इस तरह से। बोटनेक जब हम इसे कटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसे राउंड शेप देते हैं, हल्का से इसे डाउन कर देंगे गोलाई के लिए इस तरह से। अब क्या करना है हमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, डिजाइन देंगे। तो मैंने यहाँ से इस तरह से लिया, इस तरह से, यहाँ तक लानी है हमें यहाँ से। अब यहाँ से भी हम इसी तरह से लेंगे, जो हमारा यहाँ पे है बॉटनेक से 1 इंच छोड़कर इस तरह से लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसी पर ही हमें कटिंग करनी है। तो ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, ये हमारा डिजाइन बचा। यहाँ पे क्या करेंगे, जब से सब चीज हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे इसी तरह की पट्टी काटनी है, इसे अंदर तरफ सिलना है, अंदर तरफ मोड़ना है, ज्वाइंट करना है, इसमें पाइपिंग कर दो आप तो और अच्छा लगेगा। इसमें सब चीज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, यहाँ पर बांधने वाली जो लटकन होती है ना, वही यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन वाला ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे बैग की कटिंग है, डिजाइन है, तो इस तरह से आएगी। इस पर मैं थोड़ा सा और जो ये कलर दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।